और अब एक नजर में जायजा लेंगे सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली चंद अहम खबरों का। स्पीकर पंजाब असेंबली राणा मोहम्मद इकबाल ने कहा है हुकूमत सूबे में करोड़ों रुपए की लागत से रुके हुए तरक्याती काम दोबारा शुरू कर रही है। ये बात उन्होंने फूल नगर के नवाही गांव सहारन के में इलाके के मारूफ सियासी और समाजी कारकुन राणा इनामुल हक सहारा के भाई राणा नसीमुल हक की शादी में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उनका कहना था कि फूल नगर शहर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला नकासी आपका मंसूबा आखिरी मराहिल में है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद शहर के गंदे पानी को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ करेंगे। शादी की तकरीब में रुकने कौमी असम्बली सरदार तालिब हुसैन नकई, साबिक सिटी नाजिम राना शहजाद इकबाल समेत इलाका भर की मारूफ समाजी शख्सियात, वकला और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की।